क्या बृजभूषण सिंह को पहले से पता था कि कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले बृजभूषण शरण सिंह की इस तस्वीर को देखिए। मीडिया के कैमरे पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए बृजभूषण सिंह की ये तस्वीर सदन से बाहर निकलते वक्त की है। इस तस्वीर के कुछ ही देर बाद यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन फैसले से पहले ही बृजभूषण शरण सिंह मुस्कुरा रहा है, राहत की सांस ले रहा है। घड़ी का कांटा आगे बढ़ता है और फैसले की घड़ी आती है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर ज़रा भी उदासी नहीं दिखती। कोर्ट बृजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई करती है और राहत दे देती है, यानी पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद को जमानत मिल जाती है। हालांकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को जमानत देने के साथ कई शर्तें भी लगाईं। दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी है। दोनों को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे, साथ ही कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोर्ट के इस फैसले से बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिली है, लेकिन बृजभूषण को हंसते मुस्कुराता देख तस्वीर सवाल खड़ा करती है। सवाल एक ही है कि क्या बृजभूषण को पता था कि अदालत से राहत मिलने वाली है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।